बात करें जंप रोप की, तो इसमें आपको अपने दिमाग को बिल्कुल काबू में रखना होता है। ये खेल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अभी बहुत कुछ है जिससे मैं और आप दोनों ही अनजान हैं। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चों से जो पिछले 3 सालों से जंप रोप खेल रहे हैं, और ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि इसे नेशनल लेवल तक भी लेकर गए हैं। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चों से। सचिन, आप ये बताएं कि आपको पहले तो अपना अपने बारे में कुछ बताएं। कुछ मेरा नाम सचिन मिश्रा है, जैसे आपने बताया, और मैं जंप रोप को पिछले 2.5 सालों से खेल रहा हूँ। और मैंने राज्य स्तर से लेके राष्ट्र स्तर तक अपने राज्य के प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें मैंने कई सारे पदक हासिल किया। हाल ही में चेन्नई में 13th जंप रोप जूनियर नेशनल चैंपियनशिप होते, जहाँ मैंने 3 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण थे और 1 रजत पदक थे। और मैं काफ़ी उससे एक्साइटेड हुआ, और मेरा अगला लक्ष्य है कि मैं बिहार को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाकर जाऊँ और वहाँ पे बिहार को पदक दिलाऊँ। इसके साथ साथ मैं बिहार नेशनल जंप रोप कैप्टन भी हूँ। सचिन, पहले ये बताओ कि ख्याल कहाँ से आया ये कि आपको ये खेलना है, इस गेम को खेलना है? मेरे फादर ने जो फेस किए सिचुएशन, तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया है गेम की ओर जाने के लिए। तो मैं जब नॉर्मली स्किप करता था, तो मेरे फादर बोलते थे आप बहुत अच्छे करते हो। तो यहाँ पे मैं पाटलिपुत्र में आया, तो मुझे इसके थ्रू पता चला कि इसके भी नेशनल इवेंट होते हैं, तो मेरे अंदर एक इंटरेस्ट जगा क्यों ना खेला जाए। और मैं राजीव सर के बहुत बड़ा आभारी हूँ, सेक्रेटरी हैं जो बिहार जंप रोप टीम के, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने उनके उम्मीदों पर खरा उतरा और पदक जीत के लाए बिहार के लिए। अच्छा सचिन, ये जनरली देखा जाता है कि आपके एज के जो बच्चे हैं वो जनरली क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन आपने जंप रोप को ही क्यों चुना? कुछ और भी गेम खेल सकते थे जब आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे आपको, तो फिर आपने इसको क्यों चुना? मैम, इसके पीछे बहुत सारे रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको स्किपिंग हम लोग कहते हैं जंप रोप, वो मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज, यू कैन से, आप बोल सकते हैं कि कोई भी आपको गेम खेले उसमें जंप रोप करना ही करना है, क्योंकि स्टेमिना के लिए। और मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कमर्शियल गेम नहीं है, नॉन कमर्शियल है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, प्लेयर को ज़्यादा फेम नहीं मिलती है। बट फेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना और अपने राज्य को इंटरनेशनल लेवल ले जाके वहाँ पे पदक दिलाना। और मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, बस मैं ये चाहता हूँ कि एक बार तिरंगा अपने कंधे पर उठाऊं और अपने देश के नाम रोशन करूं। अच्छा सचिन, मैं एक चीज़ आपसे और पूछूंगी कि ऐसा तो ठीक है कि आप इसे नेशनल तक खेले, आपने खेला है और इंटरनेशनल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं इस थोड़ा सा कुछ ट्रैक से थोड़ा हटके है मेरी, स्वास्थ्य के लिए बोला जाता है कि जंप रोप बहुत सही होता है, बहुत अच्छा होता है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आज देखेंगे कि बहुत सारे जो कम उम्र के भी लड़के हैं या बड़े तो हैं ही, वो डायबिटीज से बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज होता है, बहुत सारे फैट सिगार है, बहुत ज़्यादा मोटापा है। पहली बात तो मैं करना चाहूँगा कि जो वॉकिंग करते हैं 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर, उसके बाद उतनी कैलरी बर्न नहीं होती जितना 3 मिनट कर लेने से हो जाती है। मतलब सिर्फ 3 मिनट? 3 मिनट, और मैं करके दिखाऊंगा किस स्टाइल से करने से होती है। दूसरा, हम लोग बेली फैट से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इससे ये कम होता है, कंट्रोल में आता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे चाहिए कंसंट्रेशन, और ये गेम ऐसा है, ये हाथ का गेम है, कलाइयों का खेल है, प्लस दिमाग से खेलना है। यदि मैं एक आपको करके दिखाऊं कैसे फंसता है, आप एकदम करके दिखाइए, अपने स्टेप्स भी करके दिखाइए हमें। तो मैम ये है, इससे पहले बात तो कंसंट्रेशन, प्लस नींद बहुत अच्छी आती है। आजकल के लोगों को नींद भी नहीं आती है भाग दौड़ की जिंदगी में, लोग उसके लिए भी गोलियां लेते हैं। सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। मैम, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद रियलाइज किया जब से मैंने 2.5-3 सालों से गेम आया। तो सचिन, आप कुछ स्टेप्स, मतलब कुछ आपके जो पर्सनल या फेवरेट स्टेप्स होंगे, आप करके दिखाना चाहेंगे, प्लीज आप करके दिखाएं। मैम, हाल ही में मैं ट्रिपल अंडर में रजत पदक जीता हूँ, जिसमें मुझे चैलेंज किया था एमपी के एक प्लेयर है सुधांशु गोठवाल, उन्होंने एशियन में उनका रिकॉर्ड है साउथ एशियन गेम में ट्रिपल अंडर में, तो अनफॉर्चुनेटली मैं सिल्वर तक ही पहुँच हुआ है। तो मैं ट्रिपल अंडर करके दिखाऊंगा। एक्चुअली ये है कि आपको एक बार बाउंस लेना होता है, और आपके लैंड पे आपके पैर आने से पहले आपको रोप 3 बार स्किप करना होता है। मैं करके दिखाता हूँ। वाकई बहुत बेहतर है, और सोच नहीं सकते कि इसे कैसे किया आपने, किस तरीके से किया। सो वाकई बहुत काबिले तारीफ है, और काफी बेहतर, काफी उम्दा किया आपने। तो थैंक यू सचिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।